ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। यस मैम। हम लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें क्या क्या है हमको इन्फॉर्मेशन गेन आउट करनी है। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हैकर्स क्या होते हैं क्या है, आज हमको पूरा ओवरव्यू लेना, उसके बाद से हम लोग अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स हो चाहे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसमें हम ये देखते हैं कोई भी अगर मालिशियस अटैक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि साइबर और सिक्योरिटी दो वर्ड से मिलके बना है। सिक्योरिटी ये क्या आप अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, साइबर अटैक का मतलब ये कि जो भी आपके ऑनलाइन अटैक्स होते हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से मैं उनको डिफेंड कर सकता हूँ अपने सिस्टम में, इसीलिए आप साइबर सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बहुत तरीके की आपके पास सिक्योरिटी होती है। यहाँ मैंने चार तरीके की सिक्योरिटी आपको डिफाइन करके बता रखी है। पहली है नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थर्ड वन इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इज ऑपरेशनल। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर वो सिक्योरिटी आती है जो आप अपने नेटवर्क पे करते हैं। सपोज करिए आपका कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पे कोई इंट्रूडर आया और बाहर से अटैक कर रहा है, तो वो नेटवर्क पे पूरे पे अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक आपके सिस्टम पे अटैक करने के लिए आया है, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना चाहें तो फायरवॉल को लेके समझ सकते हैं। फायरवॉल क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को एक तरीके से सेफ करने की कोशिश करता है। क्योंकि फायरवॉल के अंदर जब भी कभी आपने एडवांस सिक्योरिटी देखी हो फायरवॉल की, तो आपने देखा है वहां पे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स आप लोग खुद क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है, अगर इनबाउंड रूल्स मतलब इनकमिंग सिग्नल्स एंड आउटबाउंड इज आउटगोइंग सिग्नल्स, अगर इन दो सिग्नल्स में कोई भी चीजों की डिफरेंस आ रहा है तो फायरवॉल क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। क्योंकि वो देखता है कि इन सिग्नल्स में कुछ ना कुछ ऐसा मालिशियस है जो आपके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। या फिर आप वीपीएन यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कहीं और किसी के सिस्टम से कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो हमारे एरिए में नहीं है, तो उसके लिए भी हमको सिक्योरिटी चेक का अलर्ट से गुजरना होता है, तब जाके हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो जो पार्ट आता है वो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मेनली फोकस करती है आपके सॉफ्टवेयर से या जो भी आप डिवाइसेस किसी नेटवर्क में यूज करते हैं। बेसिकली फोकस हम किस पे करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर पे करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। जैसे जो भी एप्स अगर आपके फोन में है या कहीं पर भी आप जो ऐप यूज कर रहे हैं, उनको डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि आप क्या करें उनको एक्सेस करें, उनको यूज करें, तो वो सारी चीजें आपके एप्लीकेशन में आएंगी। थर्ड आता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है रिलेटेड टू एनी डेटा, डेटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आप किसी फाइल में डेटा सेव कर रहे हैं या एसक्यूएल के थ्रू क्वेरी लिख के डेटा सेव कर रहे हैं, ओरेकल यूज कर रहे हैं, MySQL यूज कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो डेटा पे रहेगा। कई बार ऐसा होता है जब हम फाइल में कोई डेटा सेव करते हैं तो एक ही रो हम टेबल फॉर्म में जब करते हैं तो एक ही रो के अंदर क्या है कि सेम डेटा दो रो के अंदर आ रहा है, तो मतलब क्या है, वो इंटीग्रिटी ब्रेक हो रही है डेटा की, डुप्लीकेसी हो रही है डेटा की, तो आपको प्राइवेसी करना है पूरा डेटा का, वो आएगा इन्फॉर्मेशन पार्ट के अंदर। लास्ट है आपका ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी में वो पार्ट आएगा जिसमें आप क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन, कौन से प्रोसेस आपने यूज कर रहे हैं, क्या एनालाइजिंग आप यूज कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए। या नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था फायरवॉल्स और आपके रिमोट एक्सेस वीपीएनस जो कि मैं डिस्क्राइब हो गया। अब बात आते हैं साइबर थ्रेट्स के ऊपर। साइबर में तीन तरीके के थ्रेट्स में डिफाइन किया गया है। पहला है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में आप उस तरीके के एक्टर से उन चीजों को ग्रुप को यूज करेंगे जो आपका सिस्टम या फिर आपके डेटा को हैक कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, दैट मींस आपके रुपए स्टील करने के लिए। साइबर अटैक में आएगा उन लोगों का नेम जो पोटेंशियली मोटिवेट किए जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि यहाँ पे इस जगह पे साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक में कभी कोई एक पर्सन अटैक नहीं कर रहा होता है। साइबर टेररिज्म का मतलब होता है, तीन वर्ड्स एक दूसरे से साइमल्टेनियसली रिलेटेड है बट डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। साइबर टेररिज्म में क्या आएगा कि आपके अंदर किसी ने कोई डर बिठा दिया कि साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करिए, कुछ भी ऐसा रिलेटेड। तो ये हमारे पास क्या है, सारे हमने सर्टिफिकेट्स डिफाइन कर रखे हैं जो भी एथिकल एक्ट में मिलते हैं, बट आपके लिए जो मेन तरीके का जो आप सर्टिफिकेट होगा वो ये होगा, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन, जो आप इस कोर्स के बाद इजीली ले सकते हैं। आपने ये वाला कोर्स कर लेंगे, आफ्टर दैट आप टेस्ट कंडक्ट करके ये वाला सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ये जो रहता है ये CH का सर्टिफिकेट होता है, वर्जन 11 आप कर रहे हैं तो आपको वर्जन 11 का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा जो कि 3 साल तक वैलिड रहता है। आफ्टर 3 ईयर्स आपको दोबारा देके दोबारा से इसको वैलिडेशन में कराना होता है।
अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि करवाना ही करवाना है, क्योंकि सीधी बात है जब मैंने एक बार सर्टिफिकेशन ले लिया तो ऐसा तो है नहीं 3 साल बाद मैं हैकर नहीं रहूंगी, बट ये कि यस डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर वर्जन, इफ यू वांट सो यू कैन रिन्यू इट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की, जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर, जैसे कि आपने सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं मैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी अपना आगे स्कोप देखूं, तो उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए आपको ये वाला सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेकेंड। लेकिन इन सब में क्या होता है, जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, एपीआई कर रहे हैं, मतलब एंड्रॉइड है तो रिलेटेड टू, आफ्टर दैट एक लास्ट एग्जाम होता है ओएससीपी, जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। जो ओएससीपी होता है उसका सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा टफेस्ट पड़ता है, क्योंकि उसकी एक्चुअली फीस भी जो होती है वो 75,000 होती है, उसके एक वाउचर की फीस ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप खुद से नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी को हायर कर रहे हैं, तो फिर वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है। तो जो ये एग्जाम हाँ पड़ता है ये बहुत टफ एग्जाम पड़ता है, और ऑलमोस्ट 48 आवर्स का एग्जाम होता है ये वाला पूरा प्रैक्टिकल ओएससीपी, मैम। पूरा प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट होता है, प्रॉक्टेट लेवल होता है। इसमें आपकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि आप खुद एग्जाम दे रहे हैं, किसी से दिलवा रहे हैं, तो ये थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। अब बात आते हैं हम लोग अपने ही कोर्स पर, विच इज द एथिकल हैकिंग। सो एथिकल हैकिंग में क्या होता है, एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, अनऑथोराइज अटेम्प्ट करते हैं किसी भी एक वेबसाइट पर ले लीजिए, या किसी के सिस्टम ले लीजिए, या किसी का डाटा ले लीजिए, इस पर आपको अटैक करना होता है, किस लिए, इन्फॉर्मेशन गेन आउट करने के लिए। तो जो एक एथिकल हैकिंग होता है उसका पर्पज यही होता है कि वो क्या करे, सिक्योरिटी ब्रीचेस करे, मतलब सिक्योरिटी को इस तरीके से ऑफेंड करे कि उसके अंदर एंटर कर पाए, और सामने वाले पर्सन को शक भी ना हो कि ये जो चीजें करी है ये मैंने करी है या फिर किसी एक हैकर ने करी है, तो वो उसको छिपाते हुए भी चलता है, दैट मींस हाइडिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो उसको हैक करता है। जब 1960 में हैकर का टर्म दिया गया था तो उसलिए दिया गया था उन लोगों के लिए जो थोड़े एक्सपर्ट थे, बट नाउ अडेज हैकर्स उन लोगों को बोला जाता है जो चीजों को स्टील करना जानते हो, जो चीजों को डिसरप्ट करना जानते हो, ठीक है। अब क्या था कि जो एथिकल हैकर होता है उसके कुछ रोल्स होते हैं, दैट मींस रोल्स किस किस चीजों पर वर्क करता है। बेसिकली पहला तो वो क्या करता है, ऑथोराइज अटेम्प्ट करता है बट अनऑथोराइज एक्सेस करता है डेटा को। इसके अलावा क्या, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, ताकि कुछ क्या करे कि उस चीज को अगर वो डेटा को ब्रीच कर रहा है, सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, तो पता भी ना लगे। इसके अलावा क्या, डेटा कॉन्फिडेंशियल है उसको निकालने की कोशिश करता है। लास्ट वन क्या है, सारे ट्रेस को रिमूव कर देता, दैट मींस इरेज कर देता है, उसके पीछे कोई बैकडोर नहीं छोड़ता है, कोई लूप होल नहीं छोड़ने की कोशिश करता है, ताकि क्या करे कोई उसको पकड़ ना पाए। हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के हैकर्स होते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, ब्लैक व्हाइट ग्रे रेड पर्पल ग्रीन ब्लू, बट आपके लिए जो मेनली फोकस करना है वो आपको रेड व्हाइट और ग्रे पे करना है, क्योंकि यही 3 तरीके के हैकर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर हमको वर्क करना है। बाकी हैकर्स भी होते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, मैं आपको बताऊंगी, बट जो मेनली फोकस करना होगा वो ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे पे करना होगा। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो अनएथिकल हैकर्स होते हैं, आपने सुना होगा डार्क वेब का नाम, और मतलब जो भी ब्लैक हैट, जो भी गंदे काम होंगे, जो भी इलीगल काम होंगे, जिसमें आप क्या करते हैं किसी के रुपए चुरा लिए, किसी का बैंक का कार्ड हटा दिया, या कुछ भी ऐसा करते हैं, जो भी इलीगल से इलीगल काम है वो आपके ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लैक हैट हैकिंग जो होती है वो इलीगल हैकिंग मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, जो भी रुपए से रिलेटेड है या किसी का डेटा आपको डिस्ट्रॉय करना है, वो सारे काम ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, तो इसलिए इसको इलीगल हैकिंग बोला जाता है, या फिर आप अनएथिकल हैकर बोल सकते हैं ब्लैक हैट हैकर्स को। उसके बाद आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स एथिकल हैकर्स बोले जाते हैं, जैसे कि आप कोर्स कर रहे हैं, आप हो गए, मैं हो गई, क्योंकि हम लोगों को क्या काम होता है, हमारा काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, दैट मींस किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करना। ये क्या करते हैं, ये भी सेम टेक्निक ही यूज करते हैं जैसे ब्लैक हैट वाले कर रहे होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि हम लोग जो कर रहे होते हैं, या फिर जो भी एक व्हाइट हैट हैकर करता है, वो क्या करता है, परमिशन लेकर उस सिस्टम की सिक्योरिटी को एक्सेस करता है, ताकि वो फोकस कर पाए सिक्योरिटी पे और आपके आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए जो व्हाइट हैट हैकिंग होती है उसको लीगल टाइप ऑफ हैकिंग बोल सकते हैं आप, या फिर आप एक एथिकल हैकर बोल लीजिए, या पेनिट्रेशन टेस्टर, कुछ भी उसका हम नाम दे सकते हैं। अब आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे नाम से पता चल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का हाइब्रिड होता है, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होती है, इसीलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ब्लैक हैट जो है वो इलीगल में आएगा कि लीगल में आएगा, वो आपको पूरा प्रोसेस देखकर समझ में आएगा। अगर ये कोई ग्रे हैट हैकर है, वो किसी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन स्टील कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ब्लैक हैट का पार्ट है, अदरवाइज वो व्हाइट हैट का पार्ट है। बट बेसिकली जो इस मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, ग्रे हैट हैकर जो होते हैं वो भी इलीगल वर्क कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो
लीगल वर्क ही करेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन दैट वन कौन से हैकर की कैरेक्टरिस्टिक वो यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको डिस्क्राइब कर देते हैं ग्रे हैट किस पार्ट में आएंगे। बट ग्रे हैट हैकर जो होते हैं वो एक तरीके से दोनों का हाइब्रिड फॉर्म होता है। अब बात आते हैं डिफरेंट टाइप के हैकर जो हमारे काम के नहीं है बट एक बार जान लेते हैं कि नाम के अकॉर्डिंग। रेड हैट हैकर जो होते हैं, अगर कहीं भी रेड हैट हैकर की बात हो तो रेड कलर से आप समझ जाइए कि जो आपके लाइनेक्स को हिट करेंगे, क्योंकि लाइनेक्स को कभी कभी हम लोग रेड हैट बोल देते हैं, तो रेड हैट जो आपके लाइनेक्स को पेनिट्रेट करते हैं वो रेड हैट हैकर होते हैं। लेकिन काम इनका वही होगा जो व्हाइट हैट हैकर करेंगे, सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करना। ब्लू हैट हैकर्स जो होते हैं वो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इनको हायर करती है अपने सिस्टम की चेकिंग करने के लिए, वर्नेबिलिटीज निकालने के लिए। वर्नेबिलिटीज का मतलब होता है लूप होल्स वेबसाइट के अंदर। आपने शायद ओवास्प टॉप 10 सुने होंगे। ओवास्प जो होती है वो हर साल एक लिस्ट निकालती है जिसमें टॉप 10 वर्नेबिलिटी प्रेजेंट होती है, जैसे XSS हो गए, क्लिक जैकिंग अटैक्स सुने होंगे, फाइल अपलोडिंग वर्नेबिलिटी सुनी होगी, कमांड इंजेक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप की वर्नेबिलिटीज होती हैं। बेसिकली अगर आप एथिकल हैकिंग कोर्स कर लेंगे दैट मींस ये साइबर सिक्योरिटी वाला, तो आफ्टर दैट अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो रहती है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड रहती है, जहाँ पे आपको ये सारे ओवास्प टॉप 10 जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको सुनने को मिलेंगे कि फायर अपलोड की वर्नेबिलिटी है, XSS की वर्नेबिलिटी है, क्लिक जैकिंग है या कमांड इंजेक्शन है, डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैकर्स जो होते हैं वो पर्पल हैट हैकर्स होते हैं, मतलब जो अपने ही सिस्टम को टेस्ट करने के लिए अपने पीसी पे ही अटैक कर रहे हैं। मतलब ये इजी टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं जो आप और मैं कोई भी एक न्यू कमर जो हो सकता है आप उसको बोल सकते हैं पर्पल में और ग्रीन में। अब बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली तो हम इसमें दो तरीके सिस्टम को यूज करते हैं। एक तो यूज कर रहे हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जैसे CMD के थ्रू, एक आप यूज कर सकते हैं इसको लाइनक्स के थ्रू। तो दोनों के जो कमांड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट कहीं कहीं पे आपके विंडोज और आपके लाइनक्स के कमांड जो होंगे वो डिफरेंट चले जाएंगे। अब उस बेसिस पे हमको चेक करना कौन से वाले कमांड हम किस लिए यूज करते हैं, बट उससे पहले हमारे पास लाइनक्स होना चाहिए। तो आप लैपटॉप से कनेक्टेड है मोबाइल से? लैपटॉप से। ठीक है, तो आपने वर्चुअल बॉक्स से कुछ डाउनलोड कर रखा है अभी? वर्चुअल बॉक्स हाँ मैम है। उसके अंदर काली डाउनलोडर है? नहीं मैम काली वगैरह नहीं। मैं अपनी स्टॉप करती हूँ स्क्रीन, आप शेयर करिए। तो पहले डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके अच्छा स्क्रीन शेयर करूँ मेरा? हाँ स्क्रीन शेयर करिए। हुआ मैम? अभी नहीं, ग्रीन कलर का आ रहा होगा नीचे शेयर स्क्रीन पे ना, उस पर क्लिक करके शेयरिंग का ऑप्शन आएगा लेफ्ट में। मुझे होस्ट डिसेबल मैम इधर लिखा है, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। दे दी मैंने परमिशन। ओके एक सेकंड ना मैम। ठीक है, अब आप आपने VMware यूज कर रखा है ना? यस मैम। कोई यहाँ वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे जाइए वर्चुअल बॉक्स टाइप करिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके सिस्टम की? 12 GB है, i3 है। ओके रैम इसके 12 है? यस मैम। ठीक है, तो अपग्रेड कराया था, पहले 4 GB था लेकिन 8 GB डलवाया मैंने अभी जस्ट, क्योंकि इसके लिए चाहिए 4 GB होता है ना, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो तो सही रहता है। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। हाँ विंडोज होस्ट, ये जब तक तो डाउनलोड हो रहा है एक नया टैब ओपन करिए, वहाँ पे लिखिए osboxes.org वेबसाइट का नाम है, osboxes.org एंटर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना VM images, पे क्लिक करिए VM images, वर्चुअल बॉक्स चूज कर लीजिए, क्लोज, स्क्रॉल डाउन करिए, काली आ रही होगी कहीं लिखा हुआ ना, करिए स्क्रॉल डाउन करिए, इनमें ही होगी, B चल रहा है वो, DF काली जाने।
लिनक्स क्लिक करी। ये करो वर्चुअल बॉक्स वीडीआई इमेज, हाँ क्लिक कर दीजिए इसको, स्क्रॉल डाउन करें। फर्स्ट वाला ही डाउनलोड कर लिया, 2021.3 64 बिट के लिए करिएगा, 32 है। ओके 4.2 जीबी वाला है। ये वाले कर लीजिए। वो टाइम लगेगा, ये हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स, वो कर लीजिए बस आप इंस्टॉल। ओके मैम, डबल ओके अभी इंस्टॉल कर दो। ये इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें तो टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने सिस्टम में दिखा दूंगी आपको। ओके ओपन हो गया ये। नेक्स्ट। यस कर दो मैम। जी यस यस इंस्टॉल। इंस्टॉल। इंस्टॉल मैम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है अगर आगे में, अगर इसी में कंटिन्यू करना चाहता हो तो। नहीं, ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बट आगे चल के जैसे क्या, हम लोग जितने भी टूल्स यूज कर रहे हैं, जितने भी टूल्स होते हैं सब पाइथन में बने हुए होते हैं, मोस्ट ऑफ दी पाइथन या पीएचपी में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो होता है कि हम लोग टूल चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई हमें फीचर्स ऐड करना है, कुछ करना है ना, तो इजीली हो सकता है। बस वहां पे अगर बोला जाए तो नीड हो सकता है, मतलब आपको अगर खुद से है तो नीड है, नहीं तो कोई अदरवाइज को नीड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हमको टूल्स यूज करने हैं। और जब मैनुअली करना होगा, तो मान लीजिए पेनिटेशन टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो मैनुअली करते हैं सारे अटैक, तो वहां पे क्या होता है, चीट शीट से सारी चीजों की हेल्प हो जाती है, तब तो थोड़ा दिमाग भी खुल जाता है, क्योंकि जब एथिकल हैकिंग वगैरह पढ़ लेते हैं तो फिर इजी रहता है। ओके मैम, फिनिश पे मैं क्लिक स्टार्ट करें। करूँ? अच्छा फिनिश कर दूँ। ऐसा इंटरफेस होगा, जो हमारी काली डल जाएगी तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे न्यू करके, एक्सटेंशन पैक अगर डालना है तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर एरर डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे एरर आएगा तो फिर हटा देंगे। इंस्टॉल। हो गया यस नो नो, ना। हमें एक्सचेंज में डिलीट थोड़ी करना है, कैंसिल कर दीजिए पूरा डाउनलोड किया, क्लोज ओके कर दीजिए, अपनी स्टॉप कर लीजिए स्क्रीन, क्योंकि वो टाइम लेगा काफी। आज बस डाउनलोडिंग पे लगाया ना, आज डाउनलोड करके रख लीजिएगा, कल मैं उसको इंपोर्ट करा दूंगी। ओके स्टॉप शेयरिंग। ठीक है। ये सारे हमारे क्या सीएमडी की कमांड्स हैं जो हमको फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ओके सीएमडी ओपन कर लेती हूँ। सीएमडी में क्या है होता है, और थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस रहेगा, काली में और सीएमडी में, बहुत ही माइनर सा उनके उसका, बस बेसिकली सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको सारी डायरेक्टरीज अगर यहाँ पे देखनी है तो हाँ, तो सीडी इसमें कमांड क्या यूज होता है, अब हम लोग कर, सीडी चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं। अगर हमको सिर्फ डायरेक्टरी देखनी है तो नहीं डीआईआर करके छोड़ देंगे, डी आर। अच्छा जो भी यहाँ पे सिर्फ डी डायरेक्टरीज आर। होंगी, हाँ सिर्फ डीआईआर से यहाँ पर सारे ओके डायरेक्टरी ओपन हो जाएंगे।
इफ अगर मान लीजिए मैं ओके अपनी okay. डायरेक्टरी चेंज करना चाहती हूँ डेस्कटॉप में, ये केस सेंसिटिव है, तो सीडी डेस्कटॉप का डी कैपिटल है तो कैपिटल ही रखना है, आफ्टर दैट एंटर। आ गई मैं डेस्कटॉप ओके पे, यस यहाँ मैं अगेन मुझे देखना है तो अगेन डी आई आर किया, अगेन डी आई आर करके जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी सब आ जाएंगी, ठीक है। ओके इसके अलावा अगर मुझे मेरा होस्ट नेम देखना है तो मुझे कमांड यहाँ पर सिर्फ लिखनी है होस्ट नेम, एंटर, ये मुझे मेरा होस्ट नेम शो कर देगा जो भी मेरा होस्ट नेम है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे मेरा वो देखना है, क्या नाम है, टाइम और डेट चेक करनी है, तो सिर्फ आप टाइम लिखेंगे, आपको टाइम शो हो जाएगा सिस्टम का, चेंज करना चाह रहे हैं तो एंटर द न्यू टाइम डालिए, एंटर कर दीजिए। और डेट देखना है तो डेट पर ऐसी सेम जो आपने टाइम के लिए किया है वही डेट के लिए करना है, डेट चेंज करनी है डेट पर और एंटर, क्लियर। यस मैम अगर आप चाहते हैं न्यू टर्मिनल खोलना, मतलब न्यू सीएमडी खोलना लेकिन पुराना वाला क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ यहाँ लिख दीजिए स्टार्ट, दूसरा खुल जाएगा, पुराना वाला पीछे है। यस अगर इस क्लोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज के लिए लिखना होता है एग्जिट, और एग्जिट से क्लोज हो जाएगा, ओके ठीक है। अगर स्क्रीन क्लियर करनी है तो सी एल ई ए आर हाँ क्लियर यूज कर दीजिए, क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं चलता, क्लियर कहाँ चलेगा आपके सीएमडी में, यहाँ वो पे सी लिनक्स एल में एस, ओके ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे है ना क्या करना है, यहाँ पे अपना कलर चेंज करना है इसका, सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए कलर, और जो कलर देना है पहले अगर वो कलर लिख दीजिए मान लीजिए, तो आपको क्या करेगा, हेल्प पैनल खोल देगा कि इसमें से कोई भी ओके कोड दे के चेंज कर लीजिए। तो मान लीजिए मुझे कौन सा कलर रखना है अपने लिए, सपोज लाइट रेड रखना है, तो कैपिटल सी उसका कोड है, तो कैपिटल सी कर दीजिए एंटर, ये रेड कर दे, ओके ठीक है। अब बात आते हैं हमारे और कमांड्स, कलर हो गया हमारा, सी एल एस हो गया, डेट हो गया, डी आई आर चेक कर ले, इको से क्या होता है आप आउटपुट करा लेते हैं किसी भी फाइल का, ओके आउटपुट अगर आपको कराना है तो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे देती हूँ इको, और तो ये यहाँ लिख के दे देगा जो भी आप इको कराना चाह रहे हैं, ठीक है। दिशा अब मान लीजिए आपको क्या करना है, अपना एक डी आई आर मतलब एक तरीके का फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, मेरे डेस्कटॉप पे मेरे नाम का कोई फोल्डर नहीं है, हम लोग यहाँ आते हैं डेस्कटॉप पे एम के डी आई आर, एम के डी आई आर का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, देखते ठीक है। मैंने दिशा के नाम से फोल्डर बना रही हूँ, एंटर कर दिया, आ गया। यस डिलीट करना है तो रिमूव डायरेक्टरी, आर एम डी आई आर स्पेस और सेम नेम जो हमको डिलीट करना है, इको का नहीं समझा मुझे मतलब क्या था इको का मतलब है इको से इसको बुलवा देना, मतलब एक बार इको करा देना, नेम आके डिफाइन हो जाए जो भी आपने दिया है वो ओके यहाँ पर प्रिंट करा देगा सेम, बस उतना ही है ना मतलब आप बस आगे कुछ हाँ भी लिखो नहीं हाँ कुछ भी लिखो जो आप देंगे वो इको से उसका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप ओके क्या, आपको मान लीजिए अगर सिस्टम की आईपी चेक करनी है तो आईपी कॉन्फिग एंटर, ये सिस्टम के आपको आईपी शो करा देगा जो भी आपकी आईपी, आपके सिस्टम की, भाई सिस्टम की आईपी है, यस ठीक है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, तो रिलेटेड टू आपके सिस्टम में जो भी अगर कोई वीएम नेट अगर मतलब कोई और अडेप्टर आपने लगा रखा है, या फिर आपको डीएससीपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या वायरलेस से चाहिए, वाईफाई की कुछ भी चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन यस स्लैश ऑल से आ जाएगी, ठीक है। ओके डीएससीपी के बारे में आपको पता है डीएससीपी क्या है, मैम भूल गया मैं अभी इतना याद नहीं आ कोई बात रहा है नहीं। डीएससीपी क्या है, डीएससीपी एक तरीके की प्रोटोकॉल होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी क्या करता है, आपको डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में है वहां पर 4 लैपटॉप हैं, तो आप जा जाके आईपी दे हाँ देंगे, लेकिन 4 की जगह 40 यस होगा याद तो आ गया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। यस उस यस टाइम पे आपको क्या करना यस पड़ेगा, डायनेमिकली एलोकेटेड करानी पड़ेगी, तो वहां पे डीएससीपी की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता रहता है अगर आप ऑन करके यस यूज कर रहे हैं तो। हाँ यहाँ पे हाँ मैंने ऐसे 20 कमांड्स यहाँ पे दे रखी हैं, आप कोई भी एक कमांड 20 कमांड्स को यूज करके देखिएगा, ठीक है। ओके मैम अब बात आती है हमारी काली की, तो काली के लिए मैंने वीएमवेयर डाल रखा, सॉरी वर्चुअल बॉक्स डाल रखा, वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपके में भी हम लोग काली इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। यस यहाँ मैम पे काली है, काली को स्टार्ट कर दीजिए, अभी स्टार्ट होने में 2-3 मिनट लेगी। आफ्टर द स्टार्टिंग में हमको इसके भी कुछ ही कमांड है, 20 कमांड मैंने इसके भी दे रखे हैं, उनको भी यूज करना है। बट बात ये आती है कि हम ओके लोग इसमें ये क्यों यूज करते हैं वर्चुअल बॉक्स, सॉरी हम लोग काली क्यों यूज कर रहे होते हैं इथिकल हैकिंग में, क्योंकि काली क्या होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग इसमें सिस्टम है, ठीक इसमें है। क्या टूल्स दिए रहते हैं ना मैम पहले से चीज, तो काली के इसमें अंदर, मतलब पहले हाँ हाँ काली के अंदर इनबिल्ट बहुत सारे मतलब टूल्स प्रेजेंट होते हैं पहले से, इन
ना, लेकिन अब बात आती है कि हम लोग विंडोज में ये क्यों यूज करें। खाली जो लाइनक्स होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो फ्री और ओपन सोर्स होता है, जबकि आपको विंडोज के लिए पे करना पड़ता है। ठीक पे करना है, पड़ता है। इसके यस अलावा क्या, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो विंडोज में चल रहे हैं, विंडोज में बग निकालते हैं, बट लाइनक्स में कंपेरेटिव टू कम बग होते हैं। यस ठीक है, इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केस इथिकल हैकिंग में अपना लाइनक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि लाइनक्स को हम इथिकल हैकिंग में यूज करें, एक तो पेमेंट की वजह ओके से, और ऊपर से क्या है कि 80% ऑफ स्मार्टफोन्स आजकल लाइनक्स पे वर्क कर रहे हैं, तो लाइनक्स आजकल यस बहुत फेमस हो रहा है कंपैरेटिव टू दिस वन। ऐसा नहीं कि विंडो फेमस नहीं है, बट ये कि लाइनक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। बिग क्वेरी ओपन हो जाए, फिर आपको उसकी कमांड्स दिखाती हूँ। वैसे तो 11 बजे रखनी है हमको क्लास, दिन ना। यस मैम। कितने हैं आपके डाउनलोडिंग? सिर्फ 200 MB हुआ है। कोई बात नहीं, इनको डिलीट कर देती हूँ पहले। यहाँ से हम लोग अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं काली के अंदर, और काली के अंदर जो हमको पहला कमांड देना होता है वो सुडो बैश देते हैं हम लोग। सुडो बैश हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाए, दैट मीन्स लिखने के लिए कि हम यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमको अपना पासवर्ड देना होता है, जो भी पासवर्ड होता है, एंटर। पासवर्ड दिखता नहीं है, बस आप दे के छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी सेम चीज रहती है, आपको अपना डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो सीडी स्पेस और डायरेक्टरी का नेम। बट शुरू करते हैं हम लोग पहले कि हम लोग हैं कहाँ, हमें ये पता चले, तो हम यूज करेंगे PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंटर कर दिया, इसने हमको बता दिया कि हम कहाँ हैं एट अ टाइम, अपने होम में और OS बॉक्सेस के अंदर हैं हम लोग। अब बात आती है यहाँ पे डायरेक्टरी देखने की, दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से डायरेक्टरी है। तो यहाँ हम जो कमांड यूज करते हैं वो यूज करते हैं LS। LS का मतलब होता है लिस्टिंग। यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप है, अब हम डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं, तो सीडी स्पेस डेस्कटॉप, एंटर। डेस्कटॉप पे आ गए, अगेन यहाँ पे एलएस करा, एलएस करके हमें पता चल गया हमारी सिर्फ ये 2 फाइल जो है वो हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टरी की, जो सेम वहां पर भी MKDIR कर सकते हैं, यहाँ पर भी MKDIR कर सकते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर भी मेरी कोई डायरेक्टरी नहीं है, सेम कर लेते हैं पहले। यहाँ पे MKDIR स्पेस, चलिए आपके नाम से बना लेते हैं, एंटर। बन गई, यस मैम। डिलीट करनी है तो RMDIR और स्पेस सेम, डिलीट हो गए। अब बात आती है ओके यहाँ पे, अगर हमें IP चेक करनी है तो हम IP कॉन्फ़िग की जगह यूज करते हैं IF कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग। एंटर। इफ कॉन्फ़िग करके आ गए। एक चीज आपने देखा होगा, यहाँ मेरा जो ये है IP, ये अलग आ रही है, 10.0.2.15 आ रही है, जबकि वहां कौन सी थी, 192.168 करके। 168 तो था। मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। चेंज करने, हमेशा याद रखिएगा, चेंज करिएगा तभी आपका मेन सिस्टम आपके वर्चुअल सिस्टम से पिंग कर पाएगा। डिवाइस पे क्लिक ओके करा, डिवाइस पे नेटवर्क पे चले जाइएगा, देन नेटवर्क सेटिंग्स पे। वैसे तो कल मैं इम्पोर्ट कराऊंगी तो बता ही दूंगी, बट फिर भी नेट से इसको ओके चेंज कर दीजिए ब्रिज अडेप्टर पे, ब्रिज अडेप्टर करके ओके। अब अगेन अपनी IP चेक करेंगे, अभी चेंज नहीं हुई है, अभी वही रहेगी। टर्मिनल बंद करते हैं एक यस मिनट। ठीक है, हो गई। ठीक ओके 192 स्पेस। है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, हमारे IP पिंग करके भी चेक कर लेते हैं एक बार। पिंग स्पेस,
अपने मेन सिस्टम की आईपी यहाँ पर डालती है 192.168.29.126, पिंग कर रही है, दैट मींस मेरा कनेक्शन ठीक है, मैं अपने मेन सिस्टम के साथ कोई भी फाइल शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं। Yes. बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे आप टच करके भी कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अभी तक जो हम लोग कर रहे थे mkdir और rmdir वगैरह जो भी कमांड है उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे, मतलब कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे थे। बट अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ तो टच स्पेस फाइल नेम, एंटर, यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे फाइल बन गई। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, कोई भी मेरी फाइल है, ये मेरी डेस्कटॉप पे बनी हुई है, मुझे इसको कहाँ पर ले जाना है, डाउनलोड में ले जाना है, या तो मूव कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फुल पाथ की जरूरत पड़ती है। अब चलिए मान लीजिए मैं ये अपनी जो फाइल है इसको डाउनलोड में ले जाना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को कॉपी करना है, मान लीजिए, तो कॉपी के लिए सीपी कमांड क्या यूज करना है, जो मेरी फाइल का नेम है वो मुझे कॉपी करनी है, कहाँ से कहाँ कॉपी करनी है, स्लैश ओएस बॉक्सेस स्लैश डॉक डाउनलोड्स में, ठीक है, एंटर, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ये फाइल कॉपी करी है, दैट मींस यहाँ भी रहेगी और मेरे डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड में रहेगी। फाइल सिस्टम में चले जाइए, यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे हमको डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में क्लिक कर दीजिए, यहाँ आ गई। ठीक है, मूव भी ऐसी कर सकते हैं, लेकिन मूव के टाइम पे क्या होगा, ये वाली फाइल यहाँ डेस्कटॉप पे नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने मूव कर दी, बट अभी हमने कॉपी करी है तो हम लोग कॉपी देख सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें एडिटर प्रेजेंट होते हैं, एडिटर मतलब जहाँ आप कोई चीज लिखना चाह रहे हैं कुछ भी है। तो यहाँ पे सपोज करिए मैंने दे दिया, एक फाइल बनाई थी मैंने, कौन सी, दिशा.txt, आप चाहें तो उसके अंदर डायरेक्टली जाकर भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ऐसे करके जाएंगे। जीयो की तरफ से लेकिन हमको क्या करना है, अभी हमको GUI यूज ना करने, क्या यूज करने, कमांड लाइन यूज करना है, हमको ऐसे नहीं जाना है इसके अंदर, किसको ओपन कर रहा है इसके अंदर कुछ लिखे, हमको ये काम नहीं करना, हमको क्या करना है इसमें नैनो करना, तो नैनो स्पेस और फाइल का नेम। VI यूज नहीं करते हैं, VI यूज कर सकते हैं, VI में ये कि इंसर्ट को टैप करके आपको काम करना पड़ेगा, नैनो कंपैरेटिवली कुछ कीज यूज नहीं करनी पड़ती है। एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद फाइल के अंदर आ गए, फाइल के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इसको सेव करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ फॉर द राइट आउट, एंटर, देन कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल ओ राइट आउट के लिए यूज करते हैं, फिर एंटर कर देते हैं, फिर कंट्रोल एक्स कर देते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस फाइल को सिर्फ देखना है कि मैंने इसके अंदर क्या लिखा था, तो हम यहाँ यूज करेंगे कैट स्पेस फाइल नेम, तो जो हमने लिखा था वो हमें इसके नीचे लाइन में दिखा देगा। लेकिन अगर मुझे अगेन चेंज करना है तो अगेन नैनो करके फाइल के अंदर जाइए, यहाँ पे सारा चेंज करिए और सेव करके बाहर आ जाइए। क्लियर। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है, मतलब अगर मान लीजिए इसके अंदर ही कुछ देखना है, डीएफ करेंगे, डीएफ करके डिस्क के स्पेस दिखाएगा, कौन कौन से डिस्क के पार्टीशन आपने यूज कर रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अगर आपको मान लीजिए इसके अंदर कोई चीज डाउनलोड करनी है, मान लीजिए मुझे मेरी काली को अपडेट करना है, तो मेरा कमांड होगा apt-get update, एंटर, स्टार्ट हो गए। मेक श्योर जब भी आप काली को यूज करेंगे तो हर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर काली को अपडेट और अपडेट करते रहिएगा, जिससे क्या है कि कोई अगर नया फीचर आपकी काली में आ रहा है तो वो आपके में भी इंस्टॉलिंग हो जाएगी इजीली, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काली के अंदर इनबिल्ट चीजें होती हैं और वो हमको अपडेट अपग्रेड या डाउनलोड या कुछ भी करना है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बोला कि काली के अंदर क्या है, टूल्स पहले से होते हैं, ये सबको पता है, तो उन टूल्स को क्या करना है, हमको यूज करना है, ठीक है। यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अपडेट और अपग्रेड करते रहते हैं काली को, ठीक है। या फिर क्या है कि कोई भी अगर इनबिल्ट टूल है वो हमको डाउनलोड करना है, तो हम डाउनलोड करने के लिए जो कमांड यूज करेंगे वो करेंगे apt-get, और जो टूल इंस्टॉल करना है इंस्टॉल और नेम लिख देंगे टूल का, वो उस केस में जब हमारे पास इनबिल्टली वो टूल प्रेजेंट है तो,
लेकिन मान के चलिए काली के अंदर वो टूल नहीं है, हमको डाउनलोड करना पड़ रहा है कहाँ से, बाहर से जाके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जाएंगे काली के इसमें और यहाँ पे अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे। वेट करिए, तो खोल रहा है। हमारा फायरफॉक्स ओपन हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई टूल डाउनलोड करना है, कोई भी टूल का नाम लिख देते हैं, जैसे हम लोग मोस्ट ऑफ टूल गिटहब से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला गिटहब का लिंक और ये डाउनलोड कर लिया। मान लीजिए जो भी मेरे को लिंक खुला है, मुझे मान लो पहला वाले लिंक से डाउनलोड करना है, तो पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ कोड आ रहा है, ठीक है, कोड में जाके कोड को कॉपी कर लीजिए। कोड पर क्लिक करा, Yes. ये यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के अपने टर्मिनल पे जाइए, तो यहाँ लिखिए गिट क्लोन। और हमारा लिंक, उसके बाद हम एंटर कर देंगे और अपना टूल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये किस केस में बता रही हूँ मैं आपको, जब आपके पास वो डाउनलोडेड नहीं है। तो अगर डाउनलोड है पहले से इनबिल्ट काली में प्रेजेंट, तो सिर्फ apt हाइफन गेट इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर उस केस में क्या है, आपके पास है नहीं, तो आपको गिट क्लोन करना और अपना टूल को जो भी कोड है वो ये यहाँ लाके पेस्ट कर देना। नॉर्मली जो हम लोग अपने विंडोज में यूज करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्टिंग। बट अगर लाइनेक्स में यूज कर रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी फॉर पेस्टिंग। इसमें कंट्रोल के संग शिफ्ट चलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, हम बात आते हैं होस्ट नेम। उस पर भी अपना खाली होस्ट नेम लिखा था, इधर भी खाली होस्ट नेम लिखेंगे तो ये हमको हमारा होस्ट नेम बता देगा। होस्ट नेम मेरा यहाँ पे ओएस बॉक्सेस है। ठीक है, अब बात आती है इसके मोड को चेंज करने की। मतलब ये फाइल है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, लॉक बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब मैं शायद इस फाइल को यूज नहीं कर सकती अभी। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस लॉक को डिसेबल करना है। ठीक है, लॉक को डिसेबल करने के लिए क्या है कि मुझे यहाँ पे अपना मोड को चेंज करना पड़ेगा, कि मुझे क्या करे, सारी तरीके की परमिशन को ही अलॉट करवाए, चाहे वो किसके हो, रीड राइट की हो, चाहे वो एग्जीक्यूट की हो, चाहे कोई भी परमिशन हो। तो मुझे क्या यहाँ लिखना है, chmod स्पेस 777, मतलब रीड की पूरी परमिशन है, राइट की भी पूरी है, और एग्जीक्यूशन की पूरी है। आफ्टर दैट अगर आपने मान लीजिए फाइल का नेम लिख दिया दिशा डॉट टीएक्सटी, दैट मीन्स अगर आप क्या चाह रहे हैं, सिर्फ दिशा डॉट टीएक्सटी को परमिशन देना चाह रहे हैं, एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करा, कोई एरर तो नहीं है और मेरी फाइल से लॉक भी हट गया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दिशा को दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ आप जितने भी डेस्कटॉप पे हैं सबको दे दें। तो क्या करना पड़ेगा, ये ना यूज करके क्या लगाना पड़ेगा, स्टार का साइन, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक लगा दी। इससे क्या है, डेस्कटॉप पे जितनी फाइल है सबको परमिशन मिल जाए। मिल गई सबको, सबके ऊपर से लॉक हट गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं पता होता 777 हम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लिख दिए chmod कैलकुलेटर। पहला वाला ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ओनर की परमिशन है, ग्रुप की है, पब्लिक की है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक को रीड देना चाह रहे हैं, एक को राइट और इसको एग्जीक्यूट, अपने आप मिल गया आपको 421 डालना है। और मान लीजिए सबको तीनों तीनों देना चाहते हैं, तीनों पर क्लिक कर दीजिए, सबको अपने आप 777 मिल जाएगी, क्योंकि रीड के 4 होते हैं, राइट के 2 होते हैं, एग्जीक्यूट का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप परमिशन भी दे सकते हैं। यहाँ भी ऐसी मैंने पूरे 20 कमांड्स आपके लिए यहाँ पे भी लिखी हुई है, लाइनेक्स की भी और विंडोज की भी। आप दोनों में से दोनों की 20-20 कमांड यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो बताइए नेक्स्ट शुरू करूं या फिर कल से करूं 11 बजे से, बताइए। जैसा आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि आप जो भी मैं बता दी जा रही हूँ, बस एक बार प्रैक्टिस रखिएगा, और कोई इशू नहीं है उसमें। एक बार कोई नहीं, ओवरव्यू देती हूँ आपको फुटप्रिंटिंग का, बाकी प्रैक्टिकल कल से करेंगे फुटप्रिंटिंग का ना।
फुटप्रिंटिंग क्या होता है? फुटप्रिंटिंग का जी मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। फुटप्रिंटिंग के अंदर दो चीज आती है, एक तो फुटप्रिंटिंग बोल सकते हैं, एक आप बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वो होती है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब होता है आप उस कंपनी से या फिर एक उस चीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसका मतलब है कि आप एक्टिव हैं। दैट मीन्स आप, जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम करते हैं और उसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, दैट मीन्स यू आर एक्टिवली कनेक्टेड या फिर आप डायरेक्टली कनेक्टेड कर रहे हैं। पैसिव का मतलब होता है आपको किसी दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और आप क्या कर रहे हैं, बीच में किसी पर्सन के साथ अटैच है। मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने मुझसे ले ली, तो वो आप पैसिवली ले रहे हैं, आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ओके तो वो पैसिव में आती है। अब क्या है, ओके एक्टिव पैसिव के ही बेसिस पे फुटप्रिंटिंग को 6 तरीकों में बांट दिया गया, जिसमें 6 टाइप्स होते हैं। एक होती है वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, आफ्टर दैट आती है ईमेल फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, डोमेन फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल, और लास्ट आती है आपकी वेब फुटप्रिंटिंग पेन टेस्टिंग। तो आपको इन 6 तरीके की फुटप्रिंटिंग को फॉलो करके किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो जब हम लोग कल एक बार मॉर्निंग कनेक्ट होंगे, मैं सारा प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी, उसके बाद आपको एक वेबसाइट दूंगी होमवर्क में, जिसकी आपको पूरी ओके फुटप्रिंटिंग करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी, जो भी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ओके ठीक है। बाकी मैं आपको यस ये क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, और एक ये वाला पेन, ये जो है प्रेजेंटेशन है, इसको ही शेयर कर देती हूँ। जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाए, ओके कल मैं आपके एक बार इम्पोर्ट करा के यूज करा दूंगी, और जब तक आप CMD की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कमांड लाइन से, ठीक यस है। कल मैम मैं इसको करवा दूंगी, तो कल आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो फुटप्रिंटिंग का मैं एक आपको होमवर्क दूंगी, आप वो कर लेना कल, ओके मैम ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बताइए अभी, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब पूछ लीजिएगा, मॉर्निंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो नहीं है ये, मतलब लिनक्स के बेसिक कमांड सेम है, मुझे आते हैं थोड़े बहुत, मतलब किया था मैंने स्टार्टिंग में, तो उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, प्रेजेंटेशन पूरी पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कल सुबह कनेक्ट होते हैं 11 बजे, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस यस मैम यस चलो ठीक है, थैंक यू। ओके मैम थैंक यू मैम।